द क्विकेस्ट द फास्टेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट द EST ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम या फिर कहें द प्रिंस ऑफ क्रिकेट। इस साल शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखते हुए भाई लोग कमेंट्स में प्रिंस के टाइटल पे मोहर लगा ही देते हैं। आज लाइव बियॉन्ड 22 यार्ड्स के दूसरे एपिसोड में हम शुभमन गिल के क्रिकेटिंग करियर, पर्सनल लाइफ से लेकर गिल के दिल के गार्डन में आखिर कौन वास करता है जैसी चीजों को आपके सामने रखेंगे। तो इस जर्नी में आप भी हो लीजिए साथ, और अगर आप भी इस बल्लेबाज को विराट कोहली का उत्तराधिकारी मानते हैं तो भैया वीडियो पे लाइक तो बनता है। 9 सितंबर 1999 को पंजाब के फजिलका में लखविंदर सिंह के घर एक नन्हे क्रिकेटर की किलकारी गूंजती है जो कि महज 3 साल की उम्र से ही बल्ले को अपना साथी बना चुका था। मतलब जिस उम्र में लड़के खिलौने की वाली रिमोट कार और गन से खेलते हैं, जनाब को बैट बॉल के अलावा कोई दूसरा खिलौना पसंद ही नहीं आता था। क्रिकेट की दीवानगी इस कदर थी कि सोते हुए भी बल्ले का साथ नहीं छोड़ते थे। फजिलका में गिल परिवार के खेत और जमीन है। कृषि से वास्ता रखने वाले लखविंदर जी अपने बेटे के ऊपर क्रिकेट के भूत को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और खेत में भैया काम करने वाले लोगों के साथ गिल को बॉलिंग कराया करते थे। कहते हैं ना भैया कि भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 8 साल की उम्र में क्रिकेट के प्रति शुभमन के डिवोशन को देखकर उसे प्रोफेशनल कोचिंग तो दिलानी ही थी, जिसके लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो भैया गिल परिवार को भी करना पड़ा और वो जल्द ही मोहाली में PCA स्टेडियम के पास शिफ्ट हो गए जहां से गिल की प्रॉपर कोचिंग शुरू होनी थी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के अंडर 16 टूर्नामेंट में खेलते हुए शुभमन ने नॉट आउट डबल सेंचुरी चढ़ी थी। इंटर स्टेट पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट में अंडर 16 मार्क रन ट्रॉफी में 351 रन बनाए थे। स्टेट लेवल पर निर्मल सिंह के साथ 587 रनों के रिकॉर्ड की बराबरी करी थी। इतनी सी उम्र में धाकड़ प्रदर्शन को देखते हुए 2 साल लगातार इस बल्लेबाज को BCCI की तरफ से बेस्ट जूनियर क्रिकेटर घोषित किया गया था। भाई लोग 2016 में 17 साल की उम्र और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पंजाब को रिप्रेजेंट करना इस बात का सबूत है कि क्रिकेट के लिए गिल का पैशन आखिर किस हद तक था। फिर 2017 फरवरी में विजय हजारे ट्रॉफी और इसी साल नवंबर में रणजी ट्रॉफी मैच से गिल ने क्रिकेट के गलियारे में धावा बोल दिया था, जिसकी गूंज पहली बार अंडर 19 टीम में खेलते हुए सुनाई दी थी जब गिल ने ODI मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 147 रन ठोके थे और मैन ऑफ द सीरीज से इन्हें नवाजा गया था। अब इनका धाकड़ प्रदर्शन तो जारी ही था। भाई लोग 2017 में अंडर 19 इंडिया का वाइस कैप्टन इन्हें चुना गया था जो कि 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे। इस वर्ल्ड कप में गिल ने लीग स्टेज के हर एक मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और 5 इनिंग्स में 372 रन बनाए। ग्रुप बी के एक मैच में तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 59 बॉल्स में 90 रन जड़कर टीम को 10 विकेट से जीत दिलाने में सक्सेसफुल रहे थे, तो क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 94 रन बनाए थे और 113 रनों से बांग्लादेश को भी हराया था। फिर आता है सेमीफाइनल और भैया सामने होती है चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, लेकिन उस वक्त तक तो भैया गिल को बॉल जो है वो फुटबॉल नजर आने लगी थी और इन्होंने ठोक मारे अनबीटन 102 रन। इंडिया वो मुकाबला 203 रनों से जीती थी और गिल मैन ऑफ द मैच अवार्ड। खैर अभी तो फाइनल का मुकाबला बाकी था दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रूशियल 31 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया ने लगातार 4थी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। अब ये वर्ल्ड कप जो है वो शुभमन गिल के लिए बना टर्निंग पॉइंट, यहां से इनका IPL करियर होता है शुरू। कोलकाता नाइट राइडर इस युवा बल्लेबाज पर लगा चुकी थी 1.80 करोड़ रुपीस। जी हाँ, 1.80 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर ने 2018 में गिल को अपने साथ जोड़ा, जिसके बाद 2021 तक वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहे। जहां अगर हम बात करें साल दर साल इनके प्रदर्शन की, तो दोस्तों 2018 में 13 मुकाबलों में इन्होंने बनाए थे 203 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 146। 2019 में 14 मैचेस में इन्होंने 296 रन ठोके थे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 124। 2020 में 14 मुकाबलों में इन्होंने 440 रन बनाए थे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 117.96। 2021 में अगर हम देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इन्होंने खेले थे 17 मुकाबले, बनाए थे 478 रन, स्ट्राइक रेट रहा था 118.90 का। इसके बाद दोस्तों आया था मेगा ऑक्शन, जहां पे भैया गुजरात टाइटंस अहमदाबाद की टीम ने शुभमन गिल को 8 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा था।
2022 में गुजरात टाइटंस के लिए इन्होंने खेले 16 मुकाबले, बनाए 483 रन, जिसमें 96 इनका हाईएस्ट रहा था, स्ट्राइक रेट था इनका 132 का। अब दोस्तों इसी के साथ शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 की ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बात करी जाए इंटरनेशनल क्रिकेट की तो 31 जनवरी 2019 में गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में डेब्यू किया था। हालांकि उस दिन वो सिर्फ 9 रन पर आउट हुए थे, लेकिन उस दिन किसी भी खिलाड़ी को या फिर कहें किसी भी क्रिकेट फैन ने ये नहीं सोचा होगा कि यही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला दोहरा शतक जड़ेगा। गिल के लिए ओडीआई डेब्यू भले ही खास ना हो, लेकिन टेस्ट मैचेस भैया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020-21 की सीरीज आखिर कौन ही भूल सकता है। 26 दिसंबर 2020 गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मौका मिला, जहां गाबा के घमंड को तोड़ने में इनका बेहद अहम योगदान रहा, जिसे आज भी टीम के उस वक्त के हेड कोच रवि शास्त्री याद करते हुए फूले नहीं समाते हैं। अगर फटाफट से इनके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स की बात करें तो दोस्तों ही इज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू लीड अ साइड इन द देवधर ट्रॉफी, लीडिंग स्कोरर फॉर पंजाब इन 2018-2019 रणजी ट्रॉफी विद 728 रन, लीडिंग रन स्कोरर फॉर इंडिया इन 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप विद 372 रन, यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई मैचेस। 2019 के आईपीएल में इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था, साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें मिला था 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। साथ ही साथ ही इज द फास्टेस्ट टू स्कोर 1000 ओडीआई रन, जहां पे इन्होंने श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और शिखर धवन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ा है। अब दोस्तों ये तूफानी बल्लेबाज अभी 23 साल के ही हैं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज के साथ इनका नाम जुड़ चुका है। भैया पिछले कुछ वक्त तक मीडिया की खबरों पर फोकस करा जाए तो भैया सारा का सारा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आखिर शुभमन गिल के दिल को किसने क्लीन बोल्ड किया है। चर्चाओं पर नजर डालें तो भैया ये बल्लेबाज सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने इस बात पर खुलकर चर्चा तो नहीं करी है, लेकिन खबरें आती जाती रहती हैं। लोगों ने इन दोनों को ही कई दफे मुंबई के बड़े रेस्टोरेंट्स में स्पॉट भी किया है। हालांकि सारा ने इस मामले को टालते हुए ये जरूर कहा था कि उनके परिवार के सभी लोग क्रिकेट और क्रिकेटरों को पसंद करते हैं। अब यहां पर मीडिया की दूसरी चर्चाओं पर फोकस करा जाए तो भैया दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी इनका नाम जुड़ता दिखाई दिया है। सोशल मीडिया पर तो आए दिन भैया ट्रोलिंग होती ही रहती है, लेकिन महान बल्लेबाज की बात पर ध्यान दें तो फिलहाल सचिन ने कहा कि उनकी बेटी का पूरा फोकस उनकी पढ़ाई और करियर पर है। लेकिन यहां पर लोगों की बात पर फोकस करें तो दोनों को ही गिल के मुंबई वाले अपार्टमेंट में मुलाकात करते देखा गया है। हाई प्रोफाइल पार्टीज में भी दोनों को अक्सर गप्पे लड़ाते हुए स्पॉट किया गया है। हालांकि दोस्तों गिल की बल्लेबाजी पर अगर हम नजर डालें तो हाल फिलहाल दिखाई तो यही देता है कि शुभमन गिल थोड़ा फोकस्ड है अपनी करियर को लेकर और बॉलरों की धुनाई को। हालांकि दोस्तों हाल फिलहाल शुभमन गिल की बल्लेबाजी जिस लेवल पर चल रही है, फोकस उनका ज्यादा तो करियर पर ही नजर आता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है भैया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें। भाई लोग गेंदबाजों की इतनी धुनाई करने के बाद आखिर शुभमन गिल को मिलता क्या है, भाई पैसे कितने मिलते हैं, नेटवर्थ क्या है, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो नेटवर्थ शुभमन गिल की है 31 करोड़ रुपीस, जिसमें से मेजरली अगर हम देखें तो इन्हें पैसा आता है मैच फीस से और ब्रांड डील से। जहां तक बात है भैया आईपीएल की तो दोस्तों शुभमन गिल ने 2018 में जैसा कि आपको बताया करंट कॉन्ट्रैक्ट है इनका 8 करोड़ रुपए का, लेकिन ओवरऑल अभी तक ये 23.2 करोड़ रुपए आईपीएल की सैलरी से कमा चुके हैं। यहां पर अगर हम बात करें बीसीसीआई से आने वाले पैसे की यानी कि भैया इनके भत्ते की तो दोस्तों ग्रेड सी का कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास बीसीसीआई की ओर से, जहां इन्हें 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। इसके ऊपर अगर हम टेस्ट ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल्स की मैचेस की बात करें तो 15 लाख टेस्ट, 6 लाख ओडीआई और 3 लाख रुपए टी20 इंटरनेशनल्स में खेलते हुए मिलते हैं। वेल, इतनी कमाई हो चुकी है तो भैया खर्च कहां करते हैं। तो दोस्तों अगर हम मेजरली कलेक्शंस की बात करें तो इनके पास रेंज रोवर वेलार है जो कि 1.05 करोड़ की है, और साथ ही साथ इनके पास दमदार एसयूवी महिंद्रा थार है। दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही मायनों में ये फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेटर हैं, जिन्हें डेफिनेटली किंग कोहली के बाद
प्रिंस का खिताब तो देना ही चाहिए। और साथ ही साथ भैया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आने वाली है, एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल का पल्ला एक बार फिर भैया रच के रन स्कोर करे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।